गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बेटर होंगे, रेडी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। चलो, आज का लेक्चर है हमारा साइंस का, जो कि वेलोमोशन के बारे में है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इन सबके कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। और उसके बाद मैंने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखवाए थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v is equals to u plus at। सेकंड, us is equals to ut plus 1 upon 2 at square। थर्ड क्या होता है? v square minus u square is equals to 2as। ओके, वही इक्वेशन आज हम लोग ग्राफिकल के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलो अपनी बुक्स निकाल लो और चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, रेडी, ये मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब आप सबको मालूम होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, कि जो वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन और जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक मोशन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या है, ये स्मॉल यू क्या कहते हैं हम लोग, स्मॉल यू और स्मॉल वी, ये स्मॉल यू है ना, स्मॉल यू, उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, रेडी, क्या कहते हैं हम लोग उसको, इनिशियल वेलोसिटी। और कैपिटल वी को क्या कहते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। और ये चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, it is known as acceleration. So, ये एक uniformly accelerated motion का time graph है, velocity distance graph है, velocity और time का graph है, जहां से ये object एक perform कर रहा है, time t जब 0 था, ये time t 0 था, तो उसकी velocity भी 0 थी। अब object की initial, हम लोग last lecture में मैंने ऐसे सब कुछ study कराया था कि जब time 0 होता है तो initial velocity भी 0 होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब टाइम जीरो था तो उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू, मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में ही था। अब टाइम जैसे जीरो से टी हुआ, ओके, जब टाइम जीरो था तब वेलोसिटी यू थी, अब कुछ टाइम के बाद अपने मोशन को स्टडी किया तो टाइम टी नोट डाउन किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट की, वी थी। कहां से प्रेजेंट हुआ, यहां से वी उसकी वेलोसिटी थी, ओके। ये पॉइंट है हमारा बी। अब मैंने क्या किया है, B से E एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये जो B पॉइंट है ना, B पॉइंट, B से E में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और सिमिलरली यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो X, जो Y एक्सिस और X एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो पॉइंट E और पॉइंट C पे इंटरसेक्ट होता है, ओके, समझ में आ गया इतना, रेडी। सो अब टाइम जीरो से टी में वेलोसिटी यू से वी चेंज हो गई, क्या, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी टी थी, तो वेलोसिटी यू थी, और जब टाइम टी है तो वेलोसिटी कितनी हुई, वी, मतलब इतने टाइम इंटरवल, टाइम टी इंटरवल में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वी से यू, समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलो फिर मैंने एक कंप्लीट डायग्राम बना दिया है, ये पॉइंट से यहां से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो ये जो बी सी लाइन पे इंटरसेक्ट करता है। अब ग्राफिकल स्टडी से बेसिस क्या होता है, OA, ये OA कितना होगा, O to A, O to A डिस्टेंस इन दोनों का जीरो से कितना होगा, U, OA डिस्टेंस फाइंड करना आता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, UB और इनिशियल जीरो, तो बी माइनस जीरो, फिर O से E, OE, OE डिस्टेंस कितना होगा, OE डिस्टेंस O से E, यानी यहां से यहां तक, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा हमारा B, समझ में आ गया, गॉट इट। अब ज्योमेट्री देखो, फिगर की ज्योमेट्री क्या कहती है, ये O से E डिस्टेंस है वो B से C डिस्टेंस, ये OE डिस्टेंस इज इक्वल्स टू BC डिस्टेंस, यानी OE डिस्टेंस इज इक्वल्स टू BC डिस्टेंस, BC इज इक्वल्स टू U B, हो गया, OE distance is equals to BC distance, वो हो गया हमारा B।
पी। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो मुझे मेरे को ये चाहिए, ये बीडी मुझे चाहिए। कितना चाहिए बीडी कि इतना टाइम इंटरवल, ये कितना हुआ बीडी डिस्टेंस। सो बीडी डिस्टेंस किसे फाइंड करेंगे, सिंपल बी से सी डिस्टेंस माइनस इतना, ये जो बीसी डिस्टेंस है ये बीसी डिस्टेंस में से डीसी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमको इतना डिस्टेंस बचेगा, यानी बीसी माइनस डीसी यानी बीसी। अब बीसी से कितना है टोटल, बीसी यानी OE कितना है हमारा V, और ये कितना है डीसी, डीसी डिस्टेंस कितना है हमारा सी, सी कितना है हमारा इतना U, तो BD डिस्टेंस कितना हुआ V माइनस U। ओके अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस में हम लोग, अब हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे कि ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेडी समझ में आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी कितनी हुई है बीस, इतना बीडी अपॉन टाइम, टाइम कितना होता है टी, जितना टाइम इंटरवल में हुई, रेडी लिख लगा ठीक है। हाँ Okay, चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, सेकेंड एस इज इक्वल्स टू बी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा बी टी, ये ग्राफ होगा, इसके ग्राफ के बेसिस पे ही हम लोग है ना इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इस टाइप के मोशन में,
सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ओके। सो जीरो से एस में, ये जीरो से टी के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसको फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? ओ ए बी सी एरिया। याद करो जब भी मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, अगर इसके आगे का वीडियो लेक्चर, कि एरिया ऑफ कोई भी डिस्टेंस हमको फाइंड करना होता है तो हम लोग उसका एरिया फाइंड करते हैं ओ ए बी सी का। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करने का सिंपल, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, समझ में आ गया ओ ए बी सी। अब देखो ओ ए बी सी यहाँ पे दो ग्राफ हो गए ओ ए बी सी का, एक तो ट्राइंगल हो रहा है ए बी डी और ये रेक्टेंगल हो रहा है ओ ए बी सी, समझ में आ गया। देखो ये ट्राइंगल हो रहा है ए बी डी, ये जो फिगर है ए ओ ए बी सी, ये पार्ट हो रहे हैं, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है एक तो ट्राइंगल बन रहा है। तो हम लोग अगर रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया प्लस करेंगे तो ये पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ ओएबीसी क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएबीसी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएबीसी, ओके क्लियर, समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इज इक्वल टू क्यूब, सो हाफ बेस, बेस क्या है ए इनटू हाइट, हाइट क्या है बीडी प्लस एरिया ऑफ ओएबीडी, मतलब इसका है ए ओ ए बी सी, यानी ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है ए डी, ब्रेथ है सी डी, सो ए डी इनटू सी डी, ओके विच विल गिव एस। हमको डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये क्या होगा हमारा एस हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू ए डी, जी ए डी यानी ए डी यानी ओसी, ओसी कितना डिस्टेंस है टी, कितना डिस्टेंस हुआ जीरो माइनस मतलब जीरो से टी, कितना हुआ टी डिस्टेंस हुआ ना टी इंटू बी डी, बी डी हमने फाइंड किया था, बी डी कितना था हमारा बी माइनस यू, बी माइनस यू प्लस ए डी, सिमिलरली ए डी कितना हुआ टी इंटू सी, सी कितना है सी ओ सी डी, सी डी यानी ए डी ओ ए सॉरी सी से डी डिस्टेंस हमारा ओ से ए डिस्टेंस इक्वल होगा, ओ से ए डिस्टेंस कितना यू, तो यू टी हो गया, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू बी माइनस यू, आगे की क्वेश्चन में बी माइनस यू क्या था ए डी था हमारा इंटू ए टी, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, समझ में आ गया। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है u इज इक्वल वन हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है चलो इसको लिख डालो। हो गया ना, समझ में आ गया ना तुमको, अच्छी बात है। चलो अब हमारा होगा फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग करेंगे वो है क्या है फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम लोग फाइंड करेंगे टू ए एस वाला, रेडी यही फिगर के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे जो कि 2as is equals to v square minus u square वाला इक्वेशन है, ठीक है चलो।
नेक्स्ट ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन है यही, सपोज करो यही हमारा ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, जहां ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है, मतलब वेलोसिटी उसकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, ये उसका ग्राफ है। अब सिमिलरली हमको एरिया और इसका एरिया फाइंड करेंगे ओ ए बी सी जो कि ट्रेपेजियम है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर, फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, दो इसकी पैरेलल साइड कौन सी है ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ए डी इंटू ए डी। सो समझ में आ गया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, गॉट इट। अब इक्वेशन ये एरिया, अब ये एरिया तो हमारा हुआ एस, एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए, ओ ए कितना है यू प्लस बी सी, ये बी से सी कितना हमारा था वी, ये बी से सी कितना हुआ वी इंटू ए डी, अब ए से डी, अब ए से डी यानी ए से डी मतलब टी, रेडी, ए से डी मतलब डी। अब लास्ट फर्स्ट इक्वेशन देखो, मैंने उसमें कहा था ना वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, सो वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, ये इक्वेशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, लास्ट इक्वेशन था ना फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में ऐसा आया था v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, सो ए और टी को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ए डिनोमिनेटर में चला गया और टी इन्यूमिनेटर में चला गया, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू टी, तो यही इक्वेशन हम लोग रखेंगे इज इक्वल्स टू 1/2 यू प्लस वी, सॉरी वी प्लस यू, इसके फॉर्मेट में वी प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन टी, समझ में आ गया, देखो 2t हो गया और इसके यहाँ पे s है तो 2 और t डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके 2s हो गया इज इक्वल्स टू 2st, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके vt, ओए एक मिनट v इनटू t, हाँ सॉरी सॉरी माइनस टेक हो गया, यहाँ पे t था OA plus BC into AD plus BC into C, sorry यहाँ पे A आएगा मेरी मिस्टेक से, A वो A लिखना था तो 2 A ये S तो 2 A S हो गया, और ये क्या V plus U, V plus U into V minus U, यानी क्या होता है V square minus U square, यानी क्या फॉर्मूला हुआ हमारा v square minus u square is equals to 2as, okay, समझ में आ गया, so ये हमारा final equation of motion derived हो गया, अब कोई doubt नहीं है ना, चलो लिख दिया इसको, चलो हो गया बच्चों, ठीक है चलो, आज हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मतलब सर्कल में घूम रहा होगा तो उस टाइप का मोशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में ना आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली रखा है मैंने, सिंपल ल्यूडिक स्टाइल, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज मैंने यूज नहीं की है, मैं अपने आप से पढ़ा रहा था, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।